प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं नीचे बढ़े, पर उस कंट्री की डेवलपमेंट का ठेका किन्नौरों ने लिया है। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि आज मैं ओसी हांडा साहब से मिल पाया। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, एन आर्कियोलॉजिस्ट बाय हार्ट और हिस्टोरियन, यू नो, बुद्धिस्ट आर्ट आर्किटेक्चर, यार उनको कितने एडजेक्टिव से संबोधित करें सब कम पड़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज उनके साथ कन्वर्सेशन में बैठा और जो हाइड्रल प्रोजेक्ट से संबंध में है, जो मतलब जो हिमालय क्षेत्र में जो नुकसान हो रहे हैं उनके संबंध में कुछ उनसे वार्तालाप की और ऐसी जानकारियां जानने में मिली कि जो कि यू नो इट वाज रियली हार्ट वार्मिंग, वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। प्लीज लास्ट तक अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर जहाँ तक हाइड्रल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ना, यूँ तो जब कोई पॉलिटिशियन बोलेगा इसको, या जो एक्सपो बाहर घूम के आदमी है, भाई ये तो कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है, ये बोलेगा ना कि भाई इसे प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं नीचे बढ़े, पर उस कंट्री की डेवलपमेंट का ठेका किन्नौरों ने लिया है। तुम ले ये क्या बलि के बकरे हैं? पूरा एनवायरमेंट है इसको तो इसका दो हो लिया और बाकी भी कर देंगे, टनलें बढ़ती रहेगी खुदती रहेंगी, तो किन्नौर जो है उसका तो जिसको हम कहेंगे यहाँ का नेचुरल एनवायरमेंट वो तो खत्म हो जाएगा। आदमी आने से डरेगा कि पहाड़ ना गिर पड़े ऊपर से। स्टेबलाइज कहाँ हो रहे हैं? कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हो रहे हैं सड़कों के, कहाँ हो रहे हैं? ये जो तंटा ढांका ऊपर देखी होगी आपने, है ये एक बार पूरी कार्रवाई उसमें दब गई थी ना, जिसके एंगल एरोज जो है अब भी शायद नजर आ जाएंगे, मैंने वो देखे हुए और पूरी कार्रवाई दब गई थी उसकी, और आज भी वही प्रोसेस है। उसके ऊपर तंडा गांव है टॉप पर और उससे आगे गया और रोजन होके वो जा रहा है नीचे, और ये उसमें थोड़ी अकलबंदी है कि इतना रोजन हो गया कि उसको वहां पर पुल डाला और दूसरी तरफ से सड़क निकाल दी, नहीं तो पहले सड़क होती। पर उसमें इन हाइड्रल प्रोजेक्ट्स का या किसी का कोई रोल नहीं है, उसमें रोल हिमाचल पीडब्ल्यूडी का है। वो सड़क ही पहले हिमाचल पीडब्ल्यूडी की थी और जब देखा रिस्क है उन्होंने दूसरी तरफ से बना दी सड़क जो अभी भी है। तो मैं कह रहा हूं कि करें, और ये जो पॉलिटिशियन है जो इसमें इन्वॉल्व है इसमें, बल्कि यहां वो सवेरे बात ही खुली गई, मैं तो बोलता हूं कि अदरवाइज जो इतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं यहां पर और यहां के किनौरे जो ऑफिसर्स हैं जो मैटर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो चू तक नहीं करते, चुपचाप पर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। स्पीति के एग्जांपल इसलिए मैंने दी थी कि वो बने वहां लोग खड़े हो गए कि हमें चाहिए, खत्म हो गया बात। पर यहां क्यों ये बात हुई? इसलिए कि जो कुछ मैटर कर सकते हैं देयर पाम्स आर ग्रीस, उनको उनकी तसल्ली हो गई और अब बोल के जो उनके पास जाए, मुझे एक सेंटेंस दिया किसी ने कि जी अजय हो भाई भी आप किन्नौर के डेवलपमेंट में इंटरफेयर करने मत बोलो इस बात को, ये ब्यूरोक्रेट्स के शब्द है, क्योंकि उनको तो मिल गया जो कुछ मिलना था, बाढ़ में गया किन्नौर, जबकि यहाँ के रहने वाले हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ तो रहने, उन्होंने तो शिमला में या चंडीगढ़ में या सोलन में रहना, उनको जब तैयारी उठते। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये इसके लिए जिम्मेवार कौन है? किन्नौर के लोग, कि उन्होंने बनने दिया और रजिस्ट नहीं किया। अगर किसी एक ब्यूरोक्रेट ने बोले भाई आप इंटरफेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट के काम में, तो बैठ गए चुप हो गए, क्यों अल्लाह क्यों नहीं डाला, क्यों बना प्रोजेक्ट? इसीलिए मैंने स्पीति की एग्जांपल दी जो एक्चुअल है, जो भी अभी दो तीन साल पहले की घटना है। यहाँ पर सारी जगह टनलें बना के खोद करके और पहाड़ हिला के वो सारा डिस्टर्ब कर दिया और यहाँ के लोग चुप, किसने रेजिस्टेंस तक नहीं किया। तो देखा आपने ना केवल किन्नौरे बल्कि किन्नौर से बाहर जो हमारे लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, वो भी वरीड हैं किन्नौर के लिए, किन्नौर के अस्तित्व के लिए। हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी रह रहा है, मेरे उम्र के लोग भी हिस्सा ले रहे हैं और हमारे छोटे जो इस मुहिम को शुरू कर बैठे हैं कि किसी भी तरीके से हिमालयन रीजन को बचाना है ये विनाशकारी प्रोजेक्ट से, और साथ ही साथ यू नो हिमालयस का संरक्षण करना ज़रूरी है, तो ट्राइबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है।
तो दीज आर रियली गुड थिंग्स। अभी हमारे किन्नौर के जो किन्नौर के अंदर चुनाव हो रहे हैं, इसमें युवाओं से मेरा संपर्क हुआ और युवा लोग चाहते हैं कि हम इस चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, मगर मताधिकार प्रयोग करने में जो है तो हम किसी के पीछे वोट नहीं करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि हम पूरे किन्नौर के लोग, खासकर युवा लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम उनको समर्थन करेंगे, हम उनके साथ हैं। हमने अभी इस चुनाव से बड़ा हमारा मुद्दा है किन्नौर को सुरक्षित रखने के लिए, किन्नौर के अस्तित्व को बचाने के लिए। किन्नौर के अस्तित्व को बचाने के लिए हमारे पास एक हथियार है जो हम प्रजातंत्र के लोग हैं। प्रजातंत्र में वोट ही बड़ा अधिकार होता है। इस वोट के द्वारा हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी दल हो, कोई भी सरकार हो, कि वो हमारी बात को माने। हमारी बात को जब तक नहीं मानेंगे, हम इस चुनाव का मताधिकार करेंगे मगर किसी के पक्ष में मत नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, हम इसे समर्थन करते हैं, हम उनकी भावनाओं का कदर करते हैं, हम उनके साथ हैं। जो इलेक्शन भी चल रहा है, आ रहा है, तो वी आर द सपोर्टिंग इन नोटा एंड वी आर सपोर्टिंग इन यूथ। जो यूथ है वो आगे का भविष्य है, तो हम नोटा और यूथ के सपोर्ट में आगे बिल्कुल बने रहेंगे। No means no. Nota and boycott. That's it. मैं बी डी सी मेंबर रारंग अकबा किन्नौर की समस्त जनता से यह अपील करता हूँ कि इस बार का वोट नोटा में लगाकर अपना सहयोग हमें दें। Please support us to make our campaign successful. Vote for Nota. Keep support. Vote for Nota. Vote and support Nota. वोट फॉर नोटा, वोट फॉर नोटा। किन्नौर के अस्तित्व को बचाना है, नोटा को जाना है, वोट फॉर नोटा। अंग किन्नौरिंग बाई से चेकिंग नोटा पंग शेयरिंग, वोट फॉर नोटा। कृषि को बचाने के लिए इस बार मैं नोटा को वोट कर रहा हूँ। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी भी नोटा पे अपना वोट दें। धन्यवाद। कांग्रेस बीजेपी बहुत हो गया, इस बार हम अपने किन्नौर के लिए वोट देंगे, नोटा को वोट देंगे। धन्यवाद। प्लीज वोट फॉर नोटा, किन्नौर की बेहतर, किन्नौर और बेहतर कल के लिए प्लीज नोटे को वोट कीजिए। वोट फॉर नोटा, ना बीजेपी ना कांग्रेस, इस बार वोट होगा किन्नौर वाद पे और मेरा वोट नोटा को। इस बार जो इलेक्शन हो रहा है उसके लिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप नोटा को वोट दें, क्योंकि दोनों ही पार्टी हमारे पक्ष में नहीं है, हमारी नहीं सुन रही है। तो मेरा वोट है वोट फॉर नोटा। हमारा वोट होगा नोटा को। मैं महेश नेगी बिलिंगी से, मेरा वोट नोटा को, एक बेहतर किन्नौर के लिए। लेट्स वोट फॉर बेटर किन्नौर, लेट्स वोट फॉर नोटा।